हेलो दोस्तों, मैं नीतीश चंद्रा आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं करंट अफेयर्स के सेट नंबर 26 को डिस्कस करने के लिए। और ये हमारी पुस्तक है रुक्मिणी प्रकाशन की, 1 फरवरी 2021 तक अपडेटेड पुस्तक। और नई किताब हमारी आ चुकी है, तो इसके डिस्कशंस को समाप्त करके हम लोग नई किताब के डिस्कशन को भी शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 26 के प्रश्नों के डिस्कशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि वयोवृद्ध प्रोफेसर चित्रा घोष का हाल ही में निधन हो गया, वे भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी की भतीजी थी। तो मैंने पहले भी इसके विषय में चर्चा किया है कि प्रोफेसर चित्रा घोष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी, और ये शरत चंद्र बोस की बेटी थी, जो सुभाष चंद्र बोस के क्या थे, भाई थे। शरत चंद्र बोस की बेटी थी कौन, चित्रा घोष, शरत चंद्र बोस की बेटी चित्रा घोष, घोष या बोस का ये बंगाल का ये एक टाइटल है। तो ये किनकी भतीजी थी, सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रखिएगा कि इनकी जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को भारत सरकार ने कौन सा दिवस, पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय किया है, और यह पराक्रम दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। और 2021-22 के सेशन को 23 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2022 तक का जो सेशन है, यह सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। और इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया है, और उस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह उस समिति के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 जनवरी 2021 को अपना 10वां स्थापना दिवस यानी कैवां स्थापना दिवस मनाया। तो भारतीय मानक ब्यूरो क्या, भारतीय मानक ब्यूरो बोले तो बी आई बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS क्या होगा इसका शॉर्ट नाम, BIS, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो, इंडियन स्टैंडर्ड। इसकी स्थापना जब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1947 में ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1947 में किस रूप में, तो ISI पाकिस्तान वाला मत समझ लीजिएगा, जो कि वहां की गुप्तचर एजेंसी है, तो वो ये नहीं है। इसका पूरा नाम क्या था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी भारतीय मानक संस्थान। बाद में कालांतर में इसका नाम क्या कर दिया गया, बदल करके भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS कर दिया गया। और इसका नाम बदलने के बाद इसकी स्थापना वर्ष को 6 जनवरी को मनाया जाने लगा, और 6 जनवरी 2021 को इसका कैवां स्थापना दिवस मनाया गया, तो 74वां स्थापना दिवस मनाया गया, किसका, भारतीय मानक ब्यूरो का। और इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में भारत के रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी भाग लिया, किसने भाग लिया, पीयूष गोयल ने भी भाग लिया। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित होता है, कहां, गोवा में, प्रतिवर्ष कहां होता है, गोवा में आयोजित होता है। कौन सा महोत्सव, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण कब आयोजित हुआ, तो 2021 में आयोजित हुआ, हालांकि यह 2020 में ही आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया इसके डेट को, और इसे 16 से 24 जनवरी तक, कब से कब तक, 16 से 24 जनवरी तक 2021 में आयोजित किया गया। और इसमें कंट्री इन फोकस की बात करें यानी फोकस्ड कंट्री की, तो इसमें बांग्लादेश फोकस्ड कंट्री था, और फोकस्ड कंट्री होने के नाते इसके 4 फिल्मों को इस महोत्सव में प्रदर्शित किया गया, कितनी फिल्मों को, 4 फिल्मों को इसमें प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा, और याद रखिएगा कि इस फिल्म महोत्सव का आयोजन श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित किया गया, गोवा में श्यामा प्रसाद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड के रूप में किस फिल्म को मिला, तो यह अवार्ड इनटू द डार्कनेस को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला, इनटू द डार्कनेस फिल्म को मिला। आगे देखिएगा, चौथा क्वेश्चन,
भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के पद पर नामित किया गया है? तो भारतीय मूल के अभी ढेर सारे लोगों का अमेरिका में विभिन्न विभिन्न पदों पर नियुक्ति हुआ है। और उसके अलावा हमने पिछले सेट्स में आपको बताया था कि चार भारतीय मूल के व्यक्ति वहां निर्वाचित भी हुए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को व्हाइट हाउस में, व्हाइट हाउस क्या है, तो ये अमेरिका का राष्ट्रपति भवन है। अमेरिका का के राष्ट्रपति भवन को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस कहते हैं, राष्ट्रपति भवन, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को हम लोग व्हाइट हाउस कहते हैं। और इसमें व्हाइट हाउस में प्रेस सचिव के रूप में यानी कि मीडिया सचिव के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, तो ये भारतीय मूल की हैं सबरीना सिंह। कौन? सबरीना सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा देखिएगा आपके विकल्प में स्वाति दांडेकर है, तो स्वाति दांडेकर के बारे में याद रखिएगा कि ये भारतीय मूल की विदेश के कई वित्तीय संस्थानों में और कई अन्य संस्थानों में भी ब्यूरोक्रेट्स के रूप में काम कर चुकी है। कौन? स्वाति दांडेकर। आगे देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की है, भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत, तो भ्रमण सारथी योजना क्या है, भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत किया है असम ने, किसने, असम ने, और इसके तहत 25 गुलाबी रंग के बस चलाए गए हैं, कितने, 25 गुलाबी बसें, और इसके जरिए क्या किया गया है कि लोगों को गुलाबी बस, 25 गुलाबी बस चलाए गए, कितने, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 25 गुलाबी बस चलाए गए और इसके जरिए लोगों को क्या करवाया जाएगा, भ्रमण करवाया जाएगा इन बसों के जरिए। और ये भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत कहां की गई है, तो असम राज्य में की गई है। किस राज्य में, असम राज्य में, और असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, सर्वानंद सोनोवाल, असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन, सर्वानंद सोनोवाल। इसके अलावा याद रखिएगा एनआरसी को सबसे पहले कहां लागू किया गया, तो असम में ही, सबसे पहले एनआरसी कहां लागू हुआ, असम में ही लागू किया गया था, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आपके योगी आदित्यनाथ, नागालैंड में नेफ्यू रियो, और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर। छठा क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया जाता है, यह एक संस्था है ट्रेस इंटरनेशनल संस्था, कौन सी, ट्रेस इंटरनेशनल संस्थान के द्वारा यह सूचकांक या इंडेक्स जारी किया जाता है, और इसमें जो पहले पायदान पर होता है उसका पासपोर्ट दुनिया में उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। और भारत के पासपोर्ट की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत का पासपोर्ट 2021 के रैंकिंग के अनुसार 85वां स्थान रखता है, यानी 85वां सबसे ताकतवर, 85वां सबसे ज्यादा ताकतवर भारत का क्या है, पासपोर्ट है। इसके अलावा सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, सबसे शक्तिशाली यानी पहले स्थान पर इस इंडेक्स में कौन है, तो जापान, पहले स्थान पर कौन, जापान है, ठीक है। और जापान में हाल ही में प्रधानमंत्री बदले हैं, शिंजो आबे के स्थान पर योशिहिदे सुगा, कुछ महीने पहले की बात है, योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर याद रखिएगा सिंगापुर है, कौन है, सिंगापुर है। तीसरे स्थान पर कौन है, तो इस सूचकांक में तीसरे स्थान पर जर्मनी है, तीसरे स्थान पर कौन है, जर्मनी है। और जर्मनी की चांसलर कौन है, एंजेला मर्केल, एंजेला मर्केल क्या है, तो विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है। और फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन, तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। और ओवरऑल पूरी दुनिया में इनका रैंक क्या है, 41वां यानी 41, भारत का रैंक 2021 में क्या, 85वां, और 2020 में भारत का रैंक इसमें 84वां था, यानी भारत को एक स्थान का नुकसान हुआ है इस वर्ष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का विषय क्या है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 ये आयोजित कब हुआ, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करें तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक आयोजित हुआ, और यह डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ, कहां, तो यह आपका पिछले साल लखनऊ में हुआ था, इस वर्ष वर्चुअल तौर पर इसका आयोजन किया गया, कहां से, तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से, ठीक है। और यह 12 से 16 जनवरी तक किया गया, कब से कब तक, 12 से
16 जनवरी 2021 में इसका आयोजन किया गया। और ये इसका संस्करण कहवा था, एडिशन कहवा था, तो 24वां संस्करण था। कहवा संस्करण था, 24वां संस्करण था। और इसका विषय क्या था, इसका थीम क्या था, तो युवा उत्सव नए भारत का, युवा उत्सव नए भारत का यह इसकी थीम थी। इससे पिछला संस्करण जो हुआ था 23वां कहां हुआ था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका 23वां संस्करण आयोजित हुआ था। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को, किसको, H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये H3 रॉकेट है किसका, तो यह जापान का है, किसका है, जापान का है। और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी की बात की जाए तो कौन सा है, कई बार हमने आपको बतलाया भी है, जाक्सा है। क्या है, जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका पूरा नाम मैंने आपको बताया है क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, CNES किसका है, CNES फ्रांस का है। नासा कहां का है, तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, किसकी, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। 9 नंबर क्वेश्चन, RBI ने किसकी अध्यक्षता में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य समूह का गठन किया है। कोरोना महामारी के बाद सभी वित्तीय संस्थानों को हो, बैंकों को हो या सरकार की बात हो, सभी वित्तीय समस्या से जूझ रहे हैं और ऐसी स्थिति में RBI भी इससे अछूता नहीं है। और इसीलिए RBI ने क्या किया है कि लोगों की वित्तीय समस्या को दूर करने हेतु एक बेहतरीन नियंत्रण के साथ ऑनलाइन डिजिटल लोन देने की शुरुआत करने के लिए एक समिति गठित की 13 जनवरी 2021 को, 13 जनवरी 2021 को एक समिति गठित करने की घोषणा की। और इस समिति के अध्यक्ष किसको बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो जयंत कुमार दास को, किसको, जयंत कुमार दास को इस समिति के अध्यक्षता सौंपने की घोषणा की गई है। यह समिति क्या करेगी, तो मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण और डिजिटल उधार किन किन कंपनियों के द्वारा दिया जा रहा है, RBI इसमें क्या कर सकती है, यह कहां तक वैध है कहां तक अवैध है, इन सभी प्रक्रियाओं की जांच करने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भी की गई है। आपको पता होगा पिछले कुछ दिन पहले अभिषेक मकवाना, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के क्या थे, लेखक थे, उनका उन्होंने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। और वजह बताई जाती है वित्तीय समस्या। और वित्तीय समस्या क्यों, क्योंकि उन्होंने मोबाइल ऐप के माध्यम से कई सारे लोन लेकर के रखे थे और वे लोग, उन लोगों द्वारा जब उनको टॉर्चर किया गया तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। इसी कारणवश RBI ने इस पर एक्शन लेते हुए समिति गठित करने की घोषणा की, किसकी अध्यक्षता में, जयंत कुमार दास। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, सशस्त्र सेना वेटरन्स डे कब मनाया जाता है। तो थल सेना के पहले अध्यक्ष, थल सेना के पहले अध्यक्ष जनरल KM करियप्पा के सेवानिवृत्ति के दिवस के अवसर पर, सेवानिवृत्ति दिवस के अवसर पर प्रति वर्ष 14 जनवरी को, कब, 14 जनवरी को किनकी सेवानिवृत्ति पर, तो KM करियप्पा, ये क्या थे, भारतीय थल सेना के पहले अध्यक्ष थे, KM करियप्पा की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट दिवस पर इसकी शुरुआत की गई, सशस्त्र सेना दिवस यानी वेटरन्स डे की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अन्य विकल्पों में देखिएगा तो आपका 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर, राष्ट्रीय युवा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो वो भी 12 ही तारीख है लेकिन महीना अलग होता है, ये क्या है, तो 12 अगस्त है। ये कौन सा महीना होता है, 12 अगस्त को कौन सा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय अगस्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सादिर जपारोव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो सादिर जपारोव को हाल ही में किर्गिस्तान का, किस देश का, किर्गिस्तान का, ये मध्य एशिया में स्थित एक देश है, किस क्षेत्र में, मध्य एशिया का एक देश है। और किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। और किर्गिस्तान का ही राष्ट्रपति किसको चुना गया, सादिर जपारोव को। अन्य देश है विकल्प में देखिएगा, राजधानी लेबनान की राजधानी बेरूत, यहाँ क्या हुआ था,
तो लेबनान की राजधानी बेरूत में एक विस्फोट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के कारण, और यहाँ अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुई भयावह विस्फोट से पूरे बेरूत शहर में भारी आपदा हुई थी, जिसके कारण कि वहां प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा भी दे दिया था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। लीबिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली। लीबिया की राजधानी कहाँ? त्रिपोली। त्रिपोली किसकी राजधानी? लीबिया की राजधानी। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जाने माने फिल्म निर्माता और फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित व्यक्ति विधु विनोद चोपड़ा जी का नाम आपने सुना है। किनका? विधु विनोद चोपड़ा का नाम आपने सुना है, और विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा, यानी कि जो चीजें स्क्रिप्टेड नहीं है उन चीजों पर चर्चा जीवन और सिनेमा के नजरिए से इसमें उल्लेखित है। अनुपम खेर क्या है? जाने माने फिल्म अभिनेता है, बीजेपी के सांसद भी हैं। अनुपम खेर के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, यानी आपके बारे में सबसे बेहतर चीज यह है कि आप हैं, ठीक है। तो ये इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। करण जौहर क्या है? जाना माना फिल्म निर्माता अभिनेता, तो निर्माता और अभिनेता करण जौहर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। मैं आपको बार बार स्टैटिक जीके में किताब बताता हूं, ए सुटेबल बॉय, क्या बताता हूं बार बार, और मैंने कहा कि ये क्वेश्चन सैकड़ों बार एसएससी ने रिपीट किया है, और पता नहीं क्या लगाव है उनको इस क्वेश्चन से कि रिपीट करती ही करती है एसएससी इस क्वेश्चन को। तो असुटेबल बॉय की जगह पर इन्होंने एक अलग उसी टाइप का मिलता जुलता नाम इनके पुस्तक का भी है, एन अनसुटेबल बॉय। एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? करण जौहर। वहां क्या है? ए सुटेबल बॉय, और यहां क्या है? एन अनसुटेबल बॉय। किसके द्वारा लिखित है? करण जौहर के द्वारा। और शेखर कपूर क्या है? एफ टी आई आई, यानी फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन है। कौन? शेखर कपूर साहब। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। किस राज्य ने 5 साल के लिए अपनी नई सौर नीति 2021 की घोषणा की है? अपनी नई सौर नीति 2021 की घोषणा किसने की है? तो ये गुजरात राज्य ने की है। किसने की है? गुजरात राज्य ने। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि गुजरात राज्य ने ही किसानों को सुबह से लेकर के शाम तक बिजली उपलब्ध करवाने के लिए, सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध करवाने हेतु सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की है। किसकी? सूर्योदय योजना की भी शुरुआत की है। और सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में गुजरात भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। कौन? गुजरात। उसके अलावा राजस्थान भी अग्रणी राज्यों में से एक है जो सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। भारत को कितने वर्षों की अवधि हेतु IUCN, IUCN क्या है? तो एक संस्था है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करती है? यह संस्था जीवों के विभिन्न श्रेणियों में, जैसे संकटग्रस्त, विलुप्त प्राय, विलुप्त, जैसे अन्य कई श्रेणियों में डेंजर्ड, इनडेंजर्ड, और भी क्रिटिकल इनडेंजर्ड वगैरह जैसे कैटेगरियों में बांट करके यह जीवों की एक सूची जारी करती है, और पादपों के लिए भी एक सूची जारी करती है रेड डाटा बुक की सहायता से। यानी रेड डाटा बुक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो IUCN ही है। कौन सी बुक जारी करती है? रेड डाटा बुक, जिसमें संकटग्रस्त जीवों को विभिन्न श्रेणियों में यह बांटती है। तो IUCN के साथ एशिया संरक्षित भागीदारी के सह अध्यक्ष के रूप में भारत को कितने वर्षों के लिए? तो 3 वर्ष के लिए चुन लिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्षों के लिए। आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा ताऊ बूट्स क्या है? खबरों में रहा ताऊ बूट्स, ताऊ बूट्स मतलब आपके ताऊ का बूट, मतलब जूता मत समझ लीजिएगा। ये ताऊ बूट्स क्या है? सोलर सिस्टम से संबंधित है, यानी कि यहां आपका आंसर होगा स्टार सिस्टम। क्या होगा? स्टार सिस्टम्स इसका सही जवाब होगा। और स्टार सिस्टम्स की बात करें तो ये एफ टाइप स्टार है। कैसा स्टार है? एफ टाइप का स्टार है, एफ स्टार है, ठीक है। और आकाशगंगा क्या है?
तो आकाशगंगा होता है कि तारामंडलों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, तारामंडलों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। और हमारी आकाशगंगा यानी कि पृथ्वी की आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। क्या है? दुग्ध मेखला है। बौना ग्रह का उदाहरण देखा जाए तो कौन है? प्लूटो। प्लूटो क्या है? बौना ग्रह का उदाहरण है। ये पहले ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 में इसे इसके ग्रह होने की मान्यता को IAU ने यानी इंटरनेशनल खगोलीय संघ, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसके ग्रह की मान्यता को समाप्त कर दिया, क्योंकि यह बार बार अपने कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान वरुण की कक्षा को ओवरलैप करता था। और ग्रह की परिभाषा होनी चाहिए कि उसकी एक स्वतंत्र कक्षा हो, वह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को ओवरलैप ना करे, यह करता था, इसलिए इसके ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई? तो 2006 में। क्वेश्चन नंबर 16, एशियाई वाटर बर्ड जनगणना किस राज्य द्वारा आयोजित की गई? एशियाई वाटर बर्ड जनगणना किस राज्य द्वारा आयोजित की गई? तो याद रखिएगा, यह आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। एशियाई वाटर बर्ड क्या है? तो एक प्रकार का जीव है, और एशियाई वाटर बर्ड की जनगणना यानी उनकी कुल संख्या की गणना की गई, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा की गई। और आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक। राजस्थान के कौन? अशोक गहलोत। और हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब क्या? तैरने वाली। फ्लोटिंग मतलब तैरने वाली 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस बांध पर किया जाएगा? तो ये विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग क्या होगी? सौर ऊर्जा परियोजना होगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया तैरता हुआ पार्क भी है भारत में एक, जो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ पार्क है। ये कहां है? तो केबुल लामजाओ पार्क, इसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और यह राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मणिपुर में है। और यह क्या है? कंप्लीटली तैरता हुआ पार्क है, और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। और उस पार्क पर बने हुए छोटे छोटे घर को फुंडी कहते हैं, यह मैंने आपको स्टैटिक जीके में बतलाया है। तो फ्लोटिंग, अब क्या किया जाएगा? फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का, यानी कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए जल पर तैरते हुए फ्लोटिंग परियोजना को परियोजना के रूप में एक बांध का निर्माण करवाया जाएगा। और यह कहां, किस बांध पर? तो ओंकारेश्वर बांध पर यह प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। किस बांध पर? ओंकारेश्वर बांध पर। और ओंकारेश्वर कहां है? तो गुजरात में। ओंकारेश्वर कहां है? गुजरात राज्य में स्थित है। गांधी सागर बांध कहां है? चंबल नदी पर स्थित है। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक नामित किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया गया है या नामित किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत, हमने अभी पीछे आपको बताया था कि भारत के कई लोगों को अमेरिका में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन बाद में वो अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति ने चुनाव जीता है डेमोक्रेटिक पार्टी से? 4, यह भी मैंने आपको बताया। अब याद रखिएगा कि दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो इनका नाम है सुमोना गुहा। क्या नाम है? सुमोना गुहा। सुमोना गुहा को ही दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक, दक्षिण एशियाई क्षेत्र बोले तो कौन कौन सा? इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया इत्यादि देश इसके इसका हिस्सा है। और दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन भी है जिसको हम लोग आसियान कहते हैं, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। तो यह आपके दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक के रूप में सुमोना गुहा को नियुक्त किया गया। इसके अलावा आपके विकल्प में तरुण छावड़ा भी है। याद रखिएगा, तरुण छावड़ा को टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी, किस क्या चीज के लिए? टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी के रूप में इनको नामित किया गया है। किनको? तो तरुण छावड़ा को। देखिएगा अगला क्वेश्चन 19 नंबर, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से कितने वर्षों के लिए लागू होगी? यानी अभी तक यह लागू नहीं हुई, आने वाला जो महीना है अगला, यानी कि अप्रैल में, यानी कि अप्रैल में क्या होगा? यह 2021 से 26 के लिए लागू होगा। कब से कब तक के लिए? 1 अप्रैल 2021 से 2026 तक के लिए यह लागू होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2026 तक 5 वर्षों के लिए भारत की नई विदेश व्यापार नीति लागू होगी। और नई विदेश व्यापार नीति लागू होने के बाद क्या उसमें प्रावधान होंगे, वह जल्द ही हमें पता चल पाएगा। अभी तक इसके बहुत महत्वपूर्ण खबर वैसे नहीं पता चले हैं। तो क्या होंगे, ये सरकार की सुरक्षा नीति का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, वन प्लैनेट समिट के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ है।
वन प्लैनेट समिट की शुरुआत कब हुई थी? वन प्लैनेट समिट की शुरुआत 2017 में हुई थी। पहली समिट कब हुई थी? फर्स्ट समिट 2017 में हुई थी। और इसका चौथा संस्करण कब आयोजित हुआ? तो 2021 में। चौथा संस्करण कब आयोजित हुआ? 2021 में आयोजित हुआ। और 2021 में इस सम्मेलन का, इस प्लैनेट समिट का क्या थीम था? तो इसका था लेस एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेस एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, हम पहले भी आपको ये बताए हुए हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेस एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। टुगेदर फॉर नेचर यानी कि प्रकृति के लिए हम सब साथ साथ मिलकर के चलें, लेस एक्ट टुगेदर फॉर द नेचर। वन प्लैनेट समिट के चौथे संस्करण 2021 का ये क्या है? थीम है। और यह आयोजित कहां हुआ? तो फ्रांस में आयोजित हुआ। कहां आयोजित हुआ? फ्रांस में आयोजित हुआ। तो ये सेट नंबर 26 का डिस्कशन मैंने आपके समक्ष किया है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के ही फिर अगले सेट में 27, 28, 29, 30 और इन चार सेट्स को भी डिस्कस करने के लिए मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तो तब तक के लिए मैं नितिश चंद्रा आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।